सब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग अक्सर स्ट्रगल करके नीचे से मतलब ऊपर उठते हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी में ही एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन उसको मालूम नहीं है, उसको यही लग रहा है कि वो ऊपर से और ऊपर जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह के बारे में। तो पहले आप ये थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। एक तरफ लोग लाल सिंह चड्ढा को पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहे थे, तो ये पूरे पटना में शो हिट करा रही थी लाल सिंह चड्ढा की, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। इनके यूट्यूब चैनल पे 3.68 मिलियन सब्सक्राइबर है, और उसपे इनका ही एक देशभक्ति गाना रिलीज होता है, जिस पर की पूरे दो दिनों में टोटल व्यूज आते हैं 49K। गजब बेइज्जती है। अक्षरा जी, इससे अच्छा तो व्यूज एक यूट्यूबर के आते हैं जो की खाली भोजपुरी न्यूज बनाता है, और तुम तो फिर भी एक एक्ट्रेस हो, अभिनेत्री हो। और तुमको क्या लगता है कि लोग सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए हैं? तुम जो प्रमोशन करोगी वो चलेगा? नहीं चलेगा। और नहीं विश्वास है ना तो दो तीन फिल्मों का और उनका प्रमोशन करके देखो, ठेले पे भूजा बेचते हुए नजर नहीं आई तो बोल दे रहा कि कोई कह रहा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बॉलीवुड में एक डांसर है जिसका की नाम राखी सावंत था, मोटकी। कुछ महीने पहले राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रितेश नाम के एक लड़के से शादी की है। हालांकि राखी के पति रितेश अभी सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं आए। वो मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वो मर्दों के बीच बीच बाजार में कंडोम बांटना ही क्यों ना हो, या फिर दीपक कलाल के साथ लाइव कैमरा हनीमून बनाने की बात हो, या मतलब कुछ भी करने को तैयार है, बस मीडिया में बनी रहनी चाहिए। और सेम उसी की राह पे हमारी अक्षरा जी भी चल दी है। बहुत मार मार, मतलब खुद की आवाज तो बकरी जैसी है, लेकिन फिर भी लोगों को सर्टिफिकेट बांटती रहती है कि फलाने एक नंबर है, और चिल्लाने को तो हम जानते ही नहीं कौन है। कहाँ से जानोगी, तुम तो पैदा नहीं हुई हो ना, तुम तो अवतार ली हो, है ना? मार की तुम्हारा लोले कुछ देंगे। और हमारी मैडम जी को पता नहीं किस कीड़े ने किस जंगल में काट दिया, जो इनको बॉलीवुड में जाने का इतना चुल मचाया, इतना चुल मचाया कि मतलब पूछो ही मत। तुमसे ना हो पाएगा। अरे तुम्हारा नाम किसी ने कचरा सिंह रख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि तुम कचरा में ही जाओगी। भोजपुरी में काम करो ना, भोजपुरी को आगे बढ़ाओ ना। लेकिन नहीं, वो तुमसे तो होगा नहीं, क्योंकि तुमको बॉलीवुड में जाना है। गांडी बॉलीवुड से लाख गुना अच्छा है अपना भोजपुरी इंडस्ट्री, वहाँ नेपोटिज्म होता है जो कि अभी अपने यहाँ भोजपुरी में नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वही लड़कियां जो कि बोलती है इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। अरे सुंदरता से ज्यादा जरूरी ये भेजा होता है जो कि तुम्हारा फ्राई हो चुका है। तो प्लीज ऐसे कचरा उचरा मत फैलाओ, वैसे भी यूपी बिहार में कचरा उठाने वाले बहुत कम आते हैं, क्या करेंगे आप? और भाई साहब, अगर आप गलती से भी इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे विजिट कर दिया ना, तो आपको लगेगा कि आप जापान आ गए हो। केवल और केवल इंग्लिश गानों पे रील्स, जो कि इनके बाबूजी को भी समझ में नहीं आएंगे, तो इनके फैंस को क्या ही समझ में आएंगे? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अगर यहाँ पे हमारी वीडियो से किसी को भी हर्ट हुआ हो तो भाई कमेंट में करिया लो यार, हम क्या ही कर सकते हैं, हमको जो अच्छा लगा हम बोल दिया। और आपको कैसा लगता है आप बताइए कमेंट करके।